एमबी के राजगढ़ के छापी हेड़ा में संचालित आधार सेंटर पर आधार अपडेट को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। सेंटर पर मनचाहे पैसे लेने की खबर पिछले कई दिनों से मिल रही थी। इसी को लेकर कुछ ग्रामीण पत्रकार के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई कि आधार में नाम संशोधित करवाना हो या जन्म दिनांक या फिर पता, इसके लिए हमें 100 रुपये से लेकर 700 रुपये तक देने पड़ते हैं। जो ये पैसे नहीं देते उनको सपोर्टिंग कागज़ सुधरवाने के लिए विभाग के चक्कर लगवाने भेज दिया जाता है। जो पैसे देते हैं उनको कोई भी कागज़ बनाने की ज़रूरत नहीं होती, वो सारी जिम्मेदारी आधार सेंटर अपने हिसाब से कर लेते हैं। इसी समस्या को सुनने और कवरेज करने के लिए कमल चौहान, जो कि वर्तमान में एमपी जर्नलिस्ट वर्किंग यूनियन के सदस्य हैं, संबंधित सेंटर पर गए तो संचालक ने अपनी गलती मानने की बजाय लोगों से ही गलत लहजे में बात की और बोला कि आप कागज़ सही नहीं लाते हो, तरह तरह की बातें की। फिर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हमसे आधार सुधरवाने के लिए 100 रुपये से 700 रुपये वसूले जा रहे हैं। तब वर्जन ले रहे पत्रकार के साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार सेंटर संचालक के द्वारा किया गया और धमकियां भी दी गईं। बोलो, अब बोलो। ये अस्पताल से मंगाया, 2 महीने पूरा ना है, तारीख देख लो इसमें, और 2-3 बार आ गया, 300 रुपये मांग रहे हैं फिर भी सर। और वो राजनीति का मैं दे सर, आपसे कितना पैसा मांग गया? 300 रुपया। कितना पैसा मांग गया? 300 रुपया। आपका नाम क्या है? बाबू सिंह, मेरी लड़की का नाम है राजनंदी सर। आधार कार्ड सेंटर पे आए हुए हैं तो आपने यहाँ पे अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के बारे में बताया था, तो क्या बोला था इन्होंने? हमने बोली ना पैसा नहीं देना, 700 रुपये, 750। और या फिर 750 रुपये दो, और पचोर जाओ। ये तो पचोर जाकर ये नाम चेंज करा के लाओ। इसमें नाम चेंज करा के लाओ। और आपने 750 कैसे दिए? पैसे नगद दिए कि? हाँ, नगद ही देना पड़ेगा ना। आपका नाम क्या है? जगदीश। और आप रहने वाले कहाँ के हो? बुड़नपुर। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।